हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कॉपीराइट स्ट्राइक जो है, कॉपीराइट ने कम्युनिटी गाइडलाइंस जो स्ट्राइक आता है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। क्यों मेरा एक आ चुका है और इस वीडियो बनाने का ये मकसद है मेरा, किसी भाई को अगर मोनेटाइजेशन का करीब करीब है, मतलब वो मोनेटाइजेशन करने वाला है, तो उसके मन में तो थोड़ा बहुत खुशी होता है कि एक साल से वो मेहनत करता है और उसके टाइम उसके एक दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, उसके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उसका एक दुख की बात है। तो अगर आपने कोई गलती पहले किया होगा या 6 महीने में पहले किया होगा, 2 महीने पहले किया, आपको पता ही नहीं है, और जैसे मोनेटाइजेशन हो जाता है और एक दो महीने में आपका चैनल का 1-2-3 स्ट्राइक आ जाए, आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा दुख की बात है। तो इसीलिए आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा आपने कुछ गलती किया कि नहीं किया। अगर गलती किया उसको डिलीट कर दो या उस चीज़ को ठीक कर दो। तो और जिस भाई को अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस तो इंग्लिश में होता है, जिस भाई को इंग्लिश ठीक से नहीं आता कि वो थोड़ा हार्ड लैंग्वेज होता है, तो उस बंदे के लिए मैं सॉल्यूशन इसमें दे दूंगा। वो पढ़ना अपने खुद से पढ़ सकते हो उस चीज़ को और समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्यों ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं डेस्कटॉप के स्क्रीन में आ गया। मैं एक स्ट्राइक आ गया, आप लोग देख रहे होंगे। मैं एक हफ्ता के लिए वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, मेरा 4 दिन बाकी है, उसके बाद ही डालेंगे। तो मैं पहले इसको बना रहा हूँ कि कोई बंदे का गलती हो तो सुधार ले अपने आप को। अगर दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो मेरे को 2 हफ्ता के लिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी है, मैंने उस वीडियो को या कंटेंट अनअवेलेबल, मतलब मैंने उसको डिलीट कर दिया। मेरे को समझ में आ गया मैं कौन सा गलती किया था। तो अभी कम्युनिटी गाइडलाइंस को मैं थोड़ा देखता हूँ। इसमें देखो, फेक एंगेजमेंट, इंप्रेशन, लिंक कॉन, सारे चीज़ें आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा ही होगा, जो बहुत बंदे ने बताया कॉपीराइट स्ट्राइक में कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, सारे चीज़ें। मैं लगभग 2-5 मिनट में सारी चीज़ मोटा मोटी बता दूंगा और बाकी आपके पास छोड़ो, आप उस चीज़ को पूरा रीड कर सकते हो। वो कैसे मैं बाद में बताता हूँ। फेक एंगेजमेंट मैं बताता हूँ, एक एक करके बता। लिंक, मैंने ये गलती किया था, जो इसको क्या बोलता है, एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी। मैंने अपना वेबसाइट का लिंक दिया था जिसमें एक डाउनलोड बटन था, जिसमें मैं जो इंट्रो है 10-15 इंट्रो डाला था, जिसके वजह से मेरा वेबसाइट में काफ़ी सारा ट्रैफिक गया और वहाँ से बंदे को फ्री इंट्रो मिल रहा था। मैं इंट्रो खुद बनाया था, फिर वही बात है। तो इसलिए उसको मैं डाला था लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने बाद मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, मतलब समझ रहा, अगर मेरा मोनेटाइजेशन हो जाता है, वो 2-3 स्ट्राइक मिल जाता, मेरा चैनल जाता काम से। तो जो भी आपको एक गलती ना हो मैं बता देता हूँ। देखो, आपका डिस्क्रिप्शन में कभी उल्ट शूट लिंक नहीं डालना है। एक तो आपको वेबसाइट में, वेबसाइट का लिंक तो यह मैं डाला था, मेरे को निकाल दिया, लेकिन आप नॉर्मली डाल सकते हो। बाकी जैसे आपका कंटेंट कुछ और की, मतलब कुछ कंटेंट आप टेक्निकल लेके बता रहे हो और आपका वेबसाइट और कोई रिलेटेड है, उसको लिंक डाल रहे हो, तो वो गलत है, वो नहीं डाल सकते हो इसमें। तो लिंक क्रोनोग्राफी लिंक नहीं डाल सकते हो। उसके बाद लिंक टू वेबसाइट और ऐप दैट इंस्टॉल मैलवेयर, मतलब आपका उसमें वेबसाइट और ऐप का इंस्टॉल जो है, इंस्टॉल जैसे वेबसाइट को ऐप्स को इंस्टॉल कर लो, उसमें आप नहीं डाल सकते हो। लिंक वेबसाइट ऐप आप फिशिंग और यूज़र लॉगिन क्रेडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है इसमें आप देख लेना। गेम, वीडियो, सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ इसमें है, मैं इतना नहीं बता सकता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको सीधा क्या करना मैं बता देता हूँ। इसको उठाना है, जो भी पॉलिसी है, गाइडलाइंस, इसमें हिंदी तो इतना क्लियर नहीं आएगा लेकिन आप समझ जाओगे। देखो, इसमें मैं गूगल ट्रांसलेटर में, अगर मोबाइल या यूज कर रहे हो उसमें कॉपी कर लेना और आपको हिंदी में कर लेना है, आप आराम से पढ़ सकते हो। हिंदी तो इसमें भी इतना क्लियर नहीं आता है, फिर भी आप समझ जाओगे उस चीज़ को 1-2 वीडियो देखने के बाद। उसके बाद थंबनेल पॉलिसी, थंबनेल में आप सेक्सुअल नॉटी, कोई नंगा जो भी है, ऐसे नहीं डाल सकते हो, जो वायलेट करेगा, यही मेन होता है। और उल्ट थंबनेल नहीं देना है, जिसके लिए है वही देना है। मतलब यूट्यूब एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको साफ सुथरा काम करना है, कोई दिमाग लगा के कोई उल्ट नहीं करना है, फिर आपका मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। उसके बाद इम्प्रेशन में क्या चीज़ है, इम्प्रेशन में इसमें मैं बता, चैनल सेम इमेज और अनदर चैनल, मतलब इसमें आप ऐसे कुछ इम्प्रेशन नहीं दे सकते हो जिसमें आपका इमेज, ब्रांड, लोगो, ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टेकिंग पीपल बिलीव और दैट पर्सन, मतलब इसमें
ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो जो दूसरा का इमेज यूज़ कर लिया या कोई बंदे का नाम यूज़ कर लिया, ऐसे कुछ अब नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ये चीज़ मैं अगर बताऊंगा तो टाइम लगेगा, तो आप इसको पढ़ लेना। और फेक एंगेजमेंट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को। फेक एंगेजमेंट, आप लिंक शेयर कर दिया कभी इधर से उधर से, कोई उसमें क्लिक कर दिया, कमेंट कर दिया, या एंगेजमेंट मतलब आपका व्यूज़ उल्ट मतलब यूट्यूब से नहीं और कहीं से आ रहा है, ये फेक एंगेजमेंट नहीं चलेगा इसमें से, ठीक है। अभी और एक चीज़ एक दो बता देता हूँ मैं इसमें आपको। तो चाइल्ड सेफ्टी बता रहे हो, चाइल्ड सेफ्टी मतलब आप थंबनेल में ऐसे कुछ नई वीडियो डालना है, जैसे आप चाइल्ड सेफ्टी कैसे चीज़ होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आप ऐसे कुछ वीडियो डाल दिया जिसमें से बच्चा देख के सच्चे को मतलब कोई ख़राब चीज़ कर लिया, तो जैसे कुछ दिन पहले ऐसे भी हुआ था, जैसे कोई वो ऐड देख के बंदा छत से कूद जाना, ऐसे कुछ नहीं जाना, मतलब बच्चे को रिएक्शन नहीं आना चाहिए आपको वीडियो देखने के बाद। कस्टम थंबनेल तो बता रहे हो, जो आप उल्ट छुलट थंबनेल बना देते हो जिसमें इंप्रेशन बढ़ता है, बंदा क्लिक करता है लेकिन अंदर कुछ और कुछ चीज़ मिलता है, ये नहीं चला। नॉटी सेक्सुअल कंटेंट तो आपको पता ही होगा। सुइसाइड एंड सेल्फ इंजूरी मतलब खून, मतलब कोई काट मार धार काट ऐसे कुछ, जैसे मर्डर होके रखा है ऐसे कुछ चीज़ आपको नहीं डालना है इसमें, ठीक है। बाकी सारे आप इसमें आराम से पढ़ सकते हो गूगल ट्रांसलेटर में, कि आपको जो लैंग्वेज है तमिल है या तेलुगु है, जो भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज से रीड करके आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मैं बार बार इस चीज़ को बता देता हूँ, कोई बंदा अगर यूट्यूबर है और उसको यूट्यूब में आगे ग्रो करना है, मोनेटाइज से कुछ पैसा कमाना है, तो ये चीज़ हमेशा पढ़ के ध्यान रखना, कि ये मोनेटाइजेशन के बाद भी ये गलती आपसे हो जाएगा और एक गलती से आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो यही था मेरे को वीडियो, और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतने, धन्यवाद।